नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजवन्नारायण नारायण हरि। ये वही कपड़ा है जो मैं लेके आई थी, वेलवेट का। मैं बता रही थी आपको कि इससे मैं कुछ बनाऊंगी, तो ये मैंने बनाया है मंदिर में बिछाने का कपड़ा। और ये बनाया है यहाँ पे मोती की लेस लगा के इस पे, आप देख सकते हैं मोती की लेस लगाई है मैंने इस पे। और ये सब जो फूल मैंने मंदिर में सजा रखे हैं सब हमारे ही बागीचे के हैं, जो भी छोटा सा मैंने बागीचा बना रखा है उसी के ये फूल हैं, आप देख सकते हैं मंदिर। और जो कपड़ा से मैंने जो चीज़ बनाई है, जो मैं बनाने के लिए लाई थी, वो ये है देखो। जय श्री राम, ये रामचरितमानस है। ये मैंने इसका कवर बनाया है जो मैं कपड़ा लेके आई थी उससे, आप देख सकते हैं। इसका कवर बनाने के लिए मैं स्पेशल इसको लेके आई थी, क्योंकि ये कपड़े में लपेट के रखते हैं तो ना फिर मेरे को दिक्कत होती थी, कपड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। नमस्कार जी सभी को, राधे राधे। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आप सबको सावन का पहला सोमवार बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन सावन का पहला ही सोमवार है। बनाई तो मैंने ये वीडियो एक दिन पहले है, लेकिन आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और इसमें मैं जो कपड़ा लाई थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कैसे माता का कवर बनाया और अपना मंदिर सजाया है। आप भी एक 1.25 मीटर कपड़े से कैसे एक सुंदर चीज़ बना सकते हैं, देखिए। ये वही कपड़ा है वेलवेट का जो मैं लेके आई थी मार्केट से, और मैं 1.25 मीटर कपड़ा लेके आई थी। इससे जो रामचरितमानस है, श्री रामायण जी, उनका कवर भी बन गया है। और ये जो मेरे शंख हैं दोनों, मतलब संघ मैंने ला रखे हैं, ये दक्षिणावर्ती है और इधर ये है वामावर्ती, तो दोनों के नीचे रखने के लिए ये कपड़ा भी बन गया है। लेस लगा दी है मैंने, और ये जोत के नीचे रखने के लिए एक कपड़ा ये बन गया है, इस पर मैंने मोती की लेस लगाई है। और पूरे मंदिर में ये बिछ गया है, 1.25 मीटर में से इतना काम हो गया है। और रामायण जी का कवर बन गया है, वो तो आपने देखा ही है। और ये मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरी देखना, ठीक है जी। बस यही दिखाना था कि कपड़े से मैंने क्या किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं कपड़ा लाई हूँ कुछ बनाऊंगी, तो मैं चलो आपको बताती हूँ कि क्या बनाया है। तो जी आपके पास जो भी कपड़ा है या जितनी भी बड़ी आपकी बुक है, आप उसके अनुसार इस तरह बुक को रख के, और जितनी इसकी लंबाई है चौड़ाई है दोनों तरफ कपड़ा इस पर बिछा के अच्छे से नाप लें, क्योंकि मैंने इन चीज़ में तो बताया नहीं है। ये देखो मैंने जितनी हमारी इसकी इतना फालतू लिया है मैंने, जो चौड़ाई है ना इसकी उससे इतना फालतू कि जब हम मोड़ेंगे इसको देखो इस तरह दोनों तरफ जो गत्ता होता है उसमें अंदर तक हो आ जाइए। और फिर इन दोनों को मिला कर हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे इन पे। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है बनाने में, ये नीचे वाला पार्ट है, ये सीधा करके बिछाया था, अभी उल्टा फोल्ड कर रखा है मैंने इसके ऊपर ये। और यहाँ तो सिलाई लगाएंगे ऐसे अंदर को मोड़ के, ऐसे ही इधर करेंगे, इन दोनों को पकड़ के सिलाई लगा लेंगे, इस पे भी सिलाई लगा लेंगे, और इसे थोड़ा सा अंदर को मोड़ देंगे इस तरह। आप सब जानते हैं जैसे किताबों पे हम पेपर चढ़ाते हैं या बास पेपर चढ़ाते हैं, उसी तरह ये करना है कपड़े को हमें अच्छे से। और ये अच्छे से आ जाएगा इसमें, अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, अभी मैं इसमें सिलाई लगा के तब आपको दिखाऊंगी। और अभी ये उल्टा रख रखा है मैंने, सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगा इसमें। और एक बार आप पहले बना के देख ले, अगर थोड़ा बहुत लूज रह जाता है तो दोबारा उसको सिलाई लगा लेना थोड़ा दोबारा से फोल्ड करके। और अभी देखो मैंने इस सिलाई लगा के इस पर इसको सीधा कर लिया है। अब इसमें मैं ये रामायण जी रख के देखती हूँ कि सेट होंगी या नहीं,
और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लूज वगैरह है तो उसको फिर टाइट कर लूँगी मैं। देखो इस तरह आपको इसमें ये किताब आप बीच में से पकड़ के ऊपर को उठा लें थोड़ी सी, तो नीचे से फिर ये आराम से इसमें इस तरह मतलब डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये बन के एकदम तैयार हो गया है, और आप इस तरह लगा के देख ले, अगर लूज है या कुछ है तो दोबारा आप सिलाई लगा दें इस पर। इस तरह मैंने ये इसमें कर लिया कवर, और जो ये हमारा इस तरह है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसे ये आराम से खुल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नीचे तनी लगा के या टिच बटन लगा दे तो उससे भी ये रुकी रहेगी, मतलब अगर आप लगाना चाहते हैं टिच बटन तो लगा सकते हैं। और किनारों पे इसमें आप अगर लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, और अगर ये जैसे ये खुला हुआ हिस्सा है तो इसे कुछ चिपकाने का इसमें अंदर लगा के इसे चिपका भी सकते हैं कपड़े को, अगर आपको यह है कि भाई हिलना नहीं चाहिए। और देखो ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया एकदम, और लेस वगैरह मैंने इस पर नहीं लगाई है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कवर बन के तैयार हुआ है रामायण जी का। और ये बिल्कुल सिंपल था इसलिए मैंने कोई सिलाई वगैरह नहीं दिखाई। इस पर आप इस तरह लेस से राम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैंने तो इस पर लेस तो नहीं लगाई है, तो लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा काम करूँगी अभी। और देखो आराम से आप ये खुल पा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किताब में। अभी मेरे पास ये जो ये है ये फेविक लाइन का है 3D आउटलाइनर, ये 20 रुपये की आती है। मेरे पास तो रखी थी क्योंकि पायल काम करती है तो पायल के पास थी। अगर आपको भी लेनी है तो ये जो स्टेशनरी की दुकान होती है उन पर मिल जाती है, 20 रुपये की आती है एक। इसको इस तरह आप जो भी डिजाइन चाहे आप वो बना के इसे छोड़ दें आप 5 से 6 घंटे के लिए, तो ये सूख के बिल्कुल ऐसा प्रिंट हो जाता है, जैसे रबड़ प्रिंट नहीं होता कपड़ों पर, रबड़ प्रिंट आता है ये उस तरह का हो जाता है, फिर ये हटेगा नहीं। तो मैंने लेस तो नहीं लगाई इस पर, लेकिन मैं इस पर इससे थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगी चारों तरफ, और आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। ये मेरे पास तो हल्का सा मतलब गोल्डन में ग्रीन सा मिक्स है वो है, ये रेड कलर की भी आती है, ग्रीन आती है, येलो आती है, जो भी आपको पसंद हो। या जैसा आप कपड़े का कवर बना रहे हैं, जैसे ग्रीन बना रहे हैं तो उस पर आप येलो से कर सकते हैं, और मेरे पास जो था मैंने उसी से ये कर दिया। और बीच में भी मैं इस पर देखती हूँ क्या लिखूँगी। तो पहले तो आप इस तरह आराम आराम से सारे पे इस पर डिजाइन कर लें, और इस तरह आप आपके घर में जितनी भी बुक हैं सबका कवर बना सकते हैं, मतलब जो पूजा से रिलेटेड हैं। मैंने अभी रामायण जी का ही बनाया, देखो ये चारों तरफ मैंने इस पर बॉर्डर बना दिया इस तरह हल्का हल्का सा। देखो जय लिख दिया श्री, और ये मैं राम लिखूंगी। ये मैंने पहले हल्का सा ऐसे ही एक पेंसिल से लिख लिया था ताकि सीधा लिखा जाए, और ये राम भी मैं अभी इस पर लिख देती हूँ, तो देखने वालों को एकदम पता भी लग जाएगा बाहर से कि इसमें मतलब रामायण जी हैं। आइए, जो मैं इसे कपड़े में लपेट के रखती थी ना, तो वो कपड़ा रोज इधर उधर, कई बार उसके धागे निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये इसका कवर बना दिया है रेड कलर का। तो अब ये इस तरह रखी रहेंगी, देखने में भी सुंदर लगेंगी, और लाल कपड़े में है वो वाली भी, मतलब कि लाल कपड़े में रखते हैं इनको, तो उसी लिए मैंने ये बनाया है। अब मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था अच्छा सा, अब मिला तो मैंने बना दिया है। अभी ना चाहे तो आप कॉर्नर पे फूल बना सकते हैं या फूल चिपका सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। देखो ये सूख के माता तैयार हो गए हैं कवर बिल्कुल, जो भी हो रहा है सब प्रभु की कृपा है। मेरे प्रभु है ना ये वाक्य बिहारी, देखो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा हाथ सब काम इन्हीं का आशीर्वाद है, सब कुछ जो भी हो रहा है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाय बाय।